तो निजी निवेश को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, पर यह निजी निवेश नहीं है। निजी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। तो हमारा निशाना कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, हमारा निशाना सीधा बीजेपी सरकार है, सीधा प्रधानमंत्री हैं, गृहमंत्री हैं, जिन्होंने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को सोचा, अंतिम रूप दिया और इसकी घोषणा की। तो ये चार रास्ते क्या थे घोटाले के, मैंने आपको पहले कहा था, मैं फिर से दोहराऊंगा। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो। आजकल आप लोग सब सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग प्रीपेड करते हैं, कुछ लोग पोस्टपेड करते हैं, ये प्रीपेड घूस है, यानी कि चंदा दो धंधा लो, प्रीपेड घूस, जैसा कि आपका प्रीपेड सिम कार्ड है। दूसरा रास्ता है ठेका लो घूस दो, ये पोस्टपेड हुआ, यानी कि पहला आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप रिश्वत देते हैं, तो ये पोस्टपेड हो गया। तीसरा रास्ता है हफ्ता वसूली, और ये मोदी सरकार ने इस पर पेटेंट लगा दी है। हफ्ता वसूली के माने क्या है, ये पोस्ट पेड नहीं, ये पोस्ट रेड है, यानी कि पहले ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो कंपनियों के खिलाफ, और उससे बचने के लिए ये कंपनियां इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेंगे और चंदा देंगे बीजेपी को। और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है फर्जी कंपनियों का, शेल कंपनियों का, बार बार प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण करते थे 2014 में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर कि मैं फर्जी कंपनी को बंद कर दूंगा, फर्जी कंपनियों के खिलाफ हूं, पर फर्जी कंपनियों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है इस कॉरपोरेट डोनेशन कॉरपोरेट बॉन्ड घोटाले में। तो ये चार रास्ते हैं, चंदा दो धंधा लो यानी कि प्रीपेड घूस, ठेका लो रिश्वत दो यानी कि पोस्टपेड घूस, तीसरा हफ्ता वसूली यानी कि धमकी देकर घूस लो यानी कि पोस्ट रेड बराइब, रेड होता है उसके बाद घूस दिया जाता है तब रेड बंद होता है, और चौथा फर्जी कंपनी। इन चारों रास्तों के जो अपनाया गया है हमारी विश्लेषण के अनुसार जो हमने विश्लेषण किया है कल, और जैसा कि मैंने कहा सारा डेटा सिर्फ 15 सेकेंड के अंदर इस कंप्यूटर प्रोग्राम पाइथन भाषा में जो लिखा है इससे पूरी जानकारी मिल जाती है, ये आप भी कर सकते हैं।